अरे यार ये पक्का रॉटवाइलर है, लैब्रा तो नहीं है। बब्बे ट्रेन नहीं है तो ये क्या है? ये ट्रेनिंग नहीं है तो क्या? उस टाइम ना मेरे को ऐसे ही कुछ नाम रखना था, बिकॉज मेरे ग्रुप में सभी का कुछ ना कुछ नाम था। तो मैंने कहा यार पुलकित तो खाली चलेगा नहीं, तो कुछ तो रखते हैं। तो मेरे को शुरू से रात कम सोने की आदत, और मेरे दांत ना वैम्पायर टीथ्स होते हैं ना, जो वो वैसे थे। तो मैंने कहा यार ऐसे वैम्प रख लेते हैं, वैम्पायर को ऐसी सिमिलैरिटी। वो नाम ऐसा हो गया कि अब वो सबको ऐसा लगता है कि मेरी कास्ट वैम्प है। So hi guys, welcome to a new vlog on your favorite channel. कौन सा है मन्नी फेवरेट? जो मर्जी बना लो। Nomitology. Nomitology कह लो, जेन जो ही कह लो, Nomitology family short कह लो, Nomitology for street dogs कह लो। अच्छा जी। बाप कह लो, शिवाय कह लो, क्लोई कह लो, कुछ भी कह लो। तो क्लोई नीचे अपनी मूली के साथ खेल रही है। गाजर है। गाजर है। तो हाँ ये। कहाँ मिलती है? ऑरेंज और लाल रंग की मूली। ये ले। और ये देखो किस स्टाइल से लेटी हुई है लड़की, किस स्टाइल से लेटी हुई है। ये ले तेरी गाजर, खा ले गाजर अपनी, खा ले गाजर। तो ये देखो ये ना बिल्कुल लेडी वाली स्टाइल में लेटी हुई है, देख रहे हो आप। मस्ती मार रही है। और यहाँ चल रही है हमारे घर के अंदर सफाइयाँ। क्यों चल रही हैं सफाइयाँ ये बता? क्योंकि आज हमारे घर में आने वाला है एक मेहमान। क्या नाम है उसका? उसका नाम है पुलकित। तो पुलकित मुझे पूरा सरनेम तो नहीं पता, पर ऑन सोशल मीडिया ही इज बाय द नेम ऑफ पुलकित वी एम्प। पुलकित वी एम्प जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं फॉर यू नो एक्सप्लोरिंग दी कैनल्स, फॉर एक्सप्लोरिंग डॉग शोज़, और आपके सामने वो काफ़ी कुछ लाते हैं सोशल मीडिया पे। तो वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और आज वो हमारे घर आ रहा है टू मीट आर Nomitology पैक बब्जी, लेडी ऑली, जोई, एंड स्पेशली क्लोई के लिए। वो देखना चाहता है कि बब्जी और लेडी ऑली ने मिलके क्या प्रोडक्ट बनाया है। तो यस, ही इज़ कमिंग टू आवर हाउस, और थोड़ी देर में बस वो आने ही वाला है। सो गाइज, पुलकित इज इन टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बाकी जब पुलकित आएगा उससे बात करते हैं कि वो करता क्या एग्जैक्टली। आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ? मैं बैठता हूँ सोफे पे और खाना खाता हूँ। हाँ जी मैडम। ओए सही है तू, बोल सही है ना? चलो। हे गाइज, तो जैसे हमने आप लोगों को बताया था, हमारे घर पे आज आया है पुलकित, जो कि फेमस है ऑन सोशल मीडिया एज पुलकित वी एम्प। अब वो पुलकित वी एम्प है, पुलकित वैम्प है, या क्या है ये अब हम पुलकित से ही पूछेंगे। तो आओ मैं आपको मिलाती हूँ आज पुलकित से। सो फाइनली पहला बच्चा आ गया है। हेलो। अरे हेलो। हाँ जी। ये फ्रेंडली है ना सबसे? सो फ्रेंडली है, मतलब सबसे ज्यादा कौन फ्रेंडली है आपके तीनों बच्चों में? फीमेल ना? ये भी फीमेल है। बहुत प्यारी है, बहुत। इसकी एज कितनी होगी भैया? अभी अभी सिर्फ 10 months है। माय गॉडनेस, मेरे को लगा था एटलीस्ट ये 2 साल के तो होगी। नहीं नहीं, सिर्फ 10 months। अच्छी खासी। क्योंकि जोई 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 का कैसे प्लान बना था भैया? जोई का कैसा आना हुआ घर में थोड़ा बताओगे? जोई का आना ना प्लान ही नहीं था। अच्छा। मैं अपने फ्रेंड के कैनल पे गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो उनके पास ना 3 females बची हुई थी जी। तो मेरे को गालियां पड़ती घर पे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 2 बड़े गार्ड डॉग्स हैं हमारे पास। तो वो ना बार बार मुझे बुला रही थी। हाँ। तो मेरा मन किया कि तू भी मेरे पास आ। अच्छा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बुलाया तो वो आ गई। हाँ। जो उनमें से एक ही आई। हाँ। और वो जोई थी, और मैं उसको घर ले आया। अरे यार ये बहुत सही था। और बेल बज रही है, और मैं देख रही हूँ इधर कैमरे में से, इंटरकॉम में से, कि ये किसी छोटे बच्चे को लेके खड़ा है, और वो भी ना रॉटवाइलर से हमारे पास। तो मुझे यार ये तो कोई और ही ब्रीड लग रही है। इट्स नॉट रॉटवाइलर्स। एंड राहुल कोहली कैसे रॉटवाइलर्स के अलावा कोई और ब्रीड ले आया? ये तो बात सोच रही है, सच में सोचने की बात है। बिकॉज कई चीजें ना, देखो गाइस, हम ऑफ द कैमरा भी बात करते हैं ना, ठीक है? जो ऑफ द कैमरा बातें होती है ना, उससे पता लगता है कि भैया का जो रॉटवाइलर ब्रीड को लेके प्यार है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब भैया स्टडी करते हैं उस चीज के ऊपर कि ये डॉग, ये लाइन, ये पेडिग्री, और उसके बाद जर्मन शेफर्ड आ जाए घर में तो एक मेरे लिए शौक था। शौक था बिल्कुल।
लेकिन जैसे जैसे इसने हमारे साथ रहना स्टार्ट किया we started understanding that German Shepherd is equally a good breed as Rottweilers and very loving, very loyal. तो मेरी भी ना actually German Shepherd के साथ एक बहुत बहुत close story है. मैं अपने videos में कभी मैंने बताया नहीं. तो मेरे पास खुद भी एक German Shepherd होती थी जिसका नाम था Zara. तो मैं उसको डॉग शोज में ले जाता था, मैं उसको एग्जिबिट किया करता था. सो एक सर्टेन एज के बाद वो मतलब मैंने आगे किसी फ्रेंड को दे दी थी, साउथ में भेज दी थी मैंने उसको, क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं रख पा रहा था क्योंकि वो बढ़ती जा रही थी और मेरे पास फिर जगह इतनी थी नहीं. तो मुझे एक चाहिए था 10 महीने के साथ, तेरे ख्याल से सही है? ट्रस्ट मी, बहुत प्रॉपर ग्रोथ है इसकी. एंड ये लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है, ये शॉर्ट कोट नहीं है, ये चीज माननी पड़ेगी. इसके मॉम डैड देखेगी ना, इतनी बड़ी है उसकी मदर. वाह, ठीक है. मुझे बस वो है कि अब हमारी जगह नहीं नहीं भैया ये आप फिर भी ना एक चीज बहुत नोटिस करने की, जैसे जब भी मैं आया था ना तो भाई की ना पूरी टीम है भैया की, सामने गार्डन है, हर एक चीज है. डॉग्स को धूप भी लगवाई जा सकती है, धूप उनको घुमाया भी जा सकता है, उनको खेलने की जगह भी दी जा सकती है. तो ये चीज ना मैनेजमेंट इसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी की है. अभी थोड़ी देर पहले ग्रूमिंग भी हो रही थी. अरे वाह, मतलब बेसिकली बच्चों को अपने से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखना कोई भैया से सीखे, ट्रस्ट में ये चीज बहुत अच्छी. थैंक यू सो वेरी मच. तो अब मेरी मेरे को ज्यादा वेट मत कराओ, मुझे रॉटवाइलर से मिलवा दो. वो लेडी ओली है, तो लेडी ओली को अब हम मिलवाते हैं आपसे. ये देख रहा है, ये पास भी मेल डॉग है, पर जो मेरी फीमेल डॉग है ना, जिसको मैंने खुद से बचपन से पाला है, मेरे को मेल डॉग से वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्यारी है. अच्छा, मतलब वो अफेक्शन शो करती है. आ गई हमारी लो जी, लो ये तो भाई, वो डर मैं निकालना चाहूंगा आज लेडी ओली से मिलके. हेलो, इधर आओ ओला, कम यहाँ, चलो 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 इधर. अरे यार ये पक्का रॉटवाइलर है, लैब्रा तो नहीं है. वो देखो देखो लेट गई है वो. यार ऐसे कौन सा रॉटवाइलर करता है भाई, ये कौन सा रॉटवाइलर करता है भाई, ऐसे कौन सा रॉटवाइलर करता है. हाँ मैं कौन हूँ, पहली बार मिला हूँ. किसी कर रही है, पूछ हिलती जा रही है इसकी. अरे भैया वैसे दिल्ली जैसे जब आप एक शहर में रहते हो जहाँ पे स्पेस का बहुत यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ता है, वहाँ इतनी बड़ी ब्रीड लेने का कैसे सोचा आपने, मैं ये जानना चाहूंगा. यार हमारे पास ना 3 BHK है, ठीक है, जहाँ हम पहले रहते थे मॉम डैड के साथ. अब हम अलग रहते हैं, बच्चे हो गए हैं, तो उन्होंने पहले हमें दरवाजा धक्का मार दिया क्योंकि हमने लिया. इससे पहले मेरे पास जो डॉग था वो 13 ईयर्स हमारे साथ रह के गया, ठीक है. तो हमने सोचा, मैं तो कहूंगा ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचा नहीं था हमने, ठीक है. कहानी ये थी कि मैं और मेरा यंगर ब्रदर, ठीक है, हमने सोचा था, अब हम दोनों की रिस्पेक्टिव वाइफ्स ने सोचा था मिलके एक डॉग लेंगे, ठीक है. और डॉग ना मैंने कहा कि मेरी एक ही कंडीशन है, सिर्फ ब्लैक कलर का होना चाहिए. तो इन सबका आया कि यार एक लैब्राडोर ले लो ब्लैक कलर का. तो मैंने कहा मैं लैब्रा नहीं लूंगा क्योंकि 13 साल लैब्रा रहा है, तो आई विल टेक समथिंग जो हमें गार्ड भी कर सके, कुछ नया लेते हैं और हमें एक्सपीरियंस भी है. तो इवेंचुअली आई वाज सीइंग सो मेनी वीडियोस, तेरी भी मैंने देखी, ठीक है. और उस टाइम फिर कोई कोइंसिडेंटली ना कहीं से कोई डॉग आया था और उसके बच्चे हुए थे, सिर्फ दो ही, सही, ठीक है. तो एक मैंने ले लिया. अरे और प्राइस मत पूछियो कहां से. नहीं वो मुझे नहीं, मुझे बस बच्चे से मतलब है कि तो हम लेके आए, इसको लेके आए. पहले पहले बब्जी आया था, सबसे पहले बब्जी आया, बब्जी हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा. और दुनिया के अंदर ये परसेप्शन है कि बब्जी इज नॉट ट्रेन्ड, ठीक है, दैट इज पार्शियली ट्रू, ठीक है. अच्छा, हाँ, मतलब पूरी सच्चाई, पार्शियली ट्रू. अच्छा, मुझे कोई शर्म नहीं है. हाँ, अगर तुम्हें नहीं कर पाए किसी डॉग को ट्रेन, तो ये नहीं है कि तुम उसको छोड़ दोगे, पॉइंट ऑफ, ठीक है ना. इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें अपने आप को, क्योंकि तुम्हारे में दिमाग है उसमें नहीं है ना, तो तुम्हें अपने हिसाब को कैसे मोल्ड करना है, सोसाइटी को कैसे सेफ रखना है. वेरी ट्रस्टेबल, सोसाइटी के लिए भी आपका एक मैसेज है कि यू हैव टू कीप पीपल सेफ अराउंड यू, है ना. चाहे आपका बड़ी डॉग है तो आपको छोटा डॉग भी है. मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इंडियन सोसाइटी के अंदर पोमेरियन से खतरनाक अगर कोई डॉग हो, exactly, ये टोपी और ये बाल दोनों मैं निकाल दूंगा. बस आग नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं. पोमेरियन ऐसी ब्रीड है जिससे कभी पंगा मत लेना मेरे भाई. इससे एक बार फिर भी छूट जाओगे, वो जिंदगी भर याद रखेगा आपको. सही वाह. तो अभी फाइनली बारी है बीस से मिलने की, और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ.
तुम्हें बताता हूँ, बीच से मिलना है ना, हाँ तो तुम सारे इधर आ जाओ, ब्यूटी से मिलने बीच से बारी है। और बीच को ना सिर्फ मैं ही लेके आऊंगा, बिल्कुल। और आई वुड रेकमेंड, मैं ना बोलूं दूरी बनाए, बीच से दूरी रहना वो ज्यादा सही है। देखो पेट पेरेंट्स को ना उनके बच्चों के बारे में ना सबसे ज्यादा पता है। अगर आपको कभी कोई आके कहता ना कि हमारे बच्चे से थोड़ी देर दूर रहो, तो प्लीज दूर रहो। और अगर वो आके कहता ना लगा लो, तो उनपे इतना कॉन्फिडेंट जरूर रखो कि आप उसे प्यार करो, उससे हेट ना करो। चलो भाई बारी अब मैं ले लेता हूं, तुम बैठो बैठो, क्योंकि तुम ऊपर आए तो बीस्ट कहेगा कि आज मैं आपको मूड दिखाता हूँ। इनको बाहर कर दूं? इनको फिर वो एक्साइट ना हो जाए। ये सच्ची में लैब्राडोर दिल है इसका, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दिल से लैब्राडोर है लड़की। एक बार आई थिंक फर्स्ट टाइम मदर बन के ना वो इतनी मच्योर हो गई है, इधर आओ कम बैक। नो कुछ नहीं है वहां पे, भूख लगी है, अभी खाएंगे थोड़ी देर, कम आजा। उसका ट्रिगर पॉइंट था, वो मिल गया मेरे को। मैंने डॉग की ट्रिगर पॉइंट ढूंढता हूँ जैसे ऐसे हाथ लगा के ना कि जहां से उनको तो उसको मजा आएगा। खेलते हैं ये दो घंटे पास में। तुम बाहर बेटे इधर चल आओ। वो भाग गया, तू आजा चल। आप उसे तो नहीं इनका पूछ रहे थे? नहीं नहीं नहीं। जोई गो चलो। हाँ ओला तो लो जी। ओह माय गुडनेस, द बीस्ट हिमसेल्फ इज हियर। और भैया उसको सच में बीस वाला वो बना के लाएगी। वॉक टू बीस देख, उसको गुस्सा है कि तुमने दोनों मेंबर्स को बुला लिया नीचे। मुझे लास्ट में बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। हेलो Zoe, go away. अब ना इस चीज में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो आपने मास्क मुंह पे बनाया हुआ है ये क्रुएलिटी है ये। मेरे भाई वो उनको इतने से जब वो थे उनको तब से पाल रहे हैं, उनको अपने डॉग्स का नेचर पता है कि कैसे। अगर मेरा भी डॉग ऐसा होगा तो मैं भी एक बार के लिए उसको ऐसे मिलवाऊंगा, उसकी भलाई के लिए भी और हमारी भलाई के लिए भी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो ना भैया, बिल्कुल सही है। पर ये भी मैं तो मिसकंसेप्शन है। हाँ ये देखो अब बस टच मी नॉट। अभी अभी अभी, अभी मैं तुम्हें तो बताता हूँ, ये देखो बब्बे ट्रेन नहीं है तो ये कैरी कैरी तो क्या है? ठीक है ये ट्रेनिंग नहीं है तो ये हमारे घर का पार्ट है, ये गुर्राहट है हमारे घर, ये अल्फा है। आपने आप घर पे डॉग रख रहे हो, अगर घर में कोई घुस गया और सब कुछ ले गया और घर आप डॉग आपके साथ सोता रहेगा तो वो काय का डॉग है? उसका पर्पस ही यही है, ही इज अ गार्ड डॉग ऑब्वियसली। यस डॉग्स तो देखो अब पूर्वजों की तरफ हम चले जाएंगे तो भैया डॉग्स तो रखे ही इसीलिए जाते थे कि घर का मेंबर इसलिए बजाया जाते थे कि रात को जब हम सोए तो ये जागे। एग्जैक्टली। पर पुलकित मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास मेरे दो बच्चे हैं, एक 5 साल का जी, एक 2 साल का, ठीक है। वो दोनों यहाँ पे जब घूम रहे होते हैं बब्जी उनके साथ बैठता है खाता है, बिल्कुल। और वो इसके कान पकड़ते हैं खींचते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं नहीं हूँ वैसे तो मैं कभी भी नहीं चांस लेता जी, बट इवेंचुअली आई ट्रस्ट हिम। बट सिंस इसको आज तेरी स्मेल पहली बार मिली है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ। नहीं देखो डॉग अगर फिरोशियस है इट्स अ गुड थिंग, बट वो किसके लिए वो डिपेंड। एग्जैक्टली माय पॉइंट, लोगों को लगता है कि एग्रेशन हमेशा ही बैड होता है जी। दे मेरे भाई कुछ नहीं कह रहा उसका, तेरा हाथ ऐसे आया था मेरी तरफ नहीं, मेरे हाथ रिलैक्स बच्चा रिलैक्स, शेर है ना वो, शेर है वो, शेर है वो, अल्फा है घर का। वेरी गुड बैकग्राउंड, वेरी गुड है फ्रॉम अ वेरी, अरे यार वो कोई बात नहीं, फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, फ्रॉम अ वेरी गुड लाइन है। तो आपने कभी डॉग शो के लिए नहीं सोचा इसको? Zoe go away, Zoe को बाहर करो। क्या हो गया? बस मेरा बच्चा
डॉग शो में नहीं सोचा आपको उसको कभी ले जाऊं मैं? नहीं अभी तेरे को पता है यार, वी आर फैमिली, दो बच्चे हैं, रोज सुबह स्कूल छोड़ना है, शाम को लेना है। बट फॉर ज़ोई वी हैव दैट प्लान, ज़ोई के लिए हमारा प्लान है, ठीक है, बिकॉज़ डॉग शोज में ना एक डॉग्स के लिए भी एक एक्सपोजर रहता है, उनको नए नए डॉग्स मिलते हैं, उनके लिए एक एनवायरमेंट बनाओ, तो वो मेरे को लगता है अच्छा रहता है उस चीज के अंदर, है ना? पर एक देखो, एक वो है और एक ये है, पर दोनों एक ही घर में पले हैं, एक ही बंदे ने एक ही साथ रहते हैं, एक बंदे ने ट्रेन किया जितना मुझे आता है, ठीक है। और मैं सोशियबिलिटी की बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि डॉग सोशल नहीं है तो ही इज अग्रेसिव, मैं तो सोशियबिलिटी दिखाता हूँ, चले एक बार, चल चलो और अभी फिलहाल हम उसको लेकर जा रहे हैं बब्जी और ओली के और जोई के कारनामे दिखाने के लिए पार्क के अंदर, कि कैसे कैसे ये लोग फेच करते हैं और इनका भागने का स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो यस, जोई आपसे मिलने पुलकित आया स्पेशली पंजाब से, और आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ, बैग गर्ल, गो एंड प्ले। मेरे को पता है, मुझे पता है, ये भी वहाँ पे देखो, देखो, वाला कम यार, ये लो, देखो प्यार है वो, बॉल बॉल बॉल, देखो वो वाला जो स्ट्रीट डॉग है वो इनके साथ ही खेलता है, देख ना, आराम से घूम रहे हैं, इधर आओ, अच्छा तो ये वाले जो डॉग्स है, ये आप इनका खाना वाना सब अपने घर से जाता है, वो एक और आया देखो, और ट्रस्ट मी गाइस, इसके ना ये इनके जो मसल्स दिखते हैं, इसका जो पंजा है इस वाले डॉग का देखना, अरे आजा आओ देखो इसका पंजा, देखो एक पूरा पंजा, पता लग रहा है कि अच्छी डाइट खाते हैं। हाँ तो ये खा रहे हैं वो ही वो खा रहे हैं, ये चीज भी भैया देखो, एक सोशलाइजेशन का ना एक तरीका है कि पपी अटैक नहीं किया, इसकी टेरिटरी में भी आ गया, ठीक है, बट काम है लड़का, बट अनलेस मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकले तो ट्रेनिंग है ना, और ट्रेनिंग क्या आप कह रहे हो, ट्रेनिंग वाला सेट, जोई सेट, हे गो, मैं छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल भैया बिल्कुल, वो देखो बॉल लेके आया वापस, वेरी गुड वेरी गुड, छोड़ दिया और बॉल को, बहुत सही, वो तो चलो अभी मस्ती है तो चलनी है भाई इनकी। तो गाइस पुलकित आए हमारे घर पे, हेलो दी, पहले बताओ ये पुलकित वीएम, पुलकित वैम और पुलकित, ये क्या चक्कर क्या है पुलकित? अच्छा मैं बताता हूँ, तो ये आज तक तो वैसे मैंने अपने चैनल पे भी किसी को नहीं बताया, तो पहले मैं डांसर हुआ करता था, तो मैं कुछ रियलिटी शोज में भी गया हूँ बहुत बड़े बड़े, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ड्रामो डिसूजा जैसे जजेस होते थे, तो उस टाइम ना मेरे को ऐसे ही कुछ नाम रखना था, बिकॉज मेरे ग्रुप में सभी का कुछ ना कुछ नाम था, तो मैंने कहा यार पुलकित तो खाली चलेगा नहीं, तो कुछ तो रखते हैं, तो मेरे को शुरू से रात कम सोने की आदत, और मेरे दांत ना वैम्पायर टीथ्स होते हैं ना जो अच्छा। वो वैसे थे, तो मैंने कहा यार ऐसे वैम्प रख लेते हैं, वैम्पायर को ऐसे सिमिलैरिटी, वो नाम ऐसा हो गया कि अब वो सबको ऐसा लगता है कि मेरी कास्ट वैम्प है, तो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन हो आप क्या, अच्छा। वो मैं कहता हूँ कि भाई मैं सब कुछ ही हूँ, बट मेरी मेरा नाम वैम्प नहीं है, मेरा स्टेज नेम वैम्प, तो वहां से चीजें जुड़ी है, पंजाबी लड़का है पुलकित गाइस, और ये मिलने आए आज हमारे जर्मन शेपर्ड जोई, रॉटवाइलर लेडी ओली एंड बब्जी, और काफी देर से पुलकित अभी हमारे साथ है, क्या फीडबैक है आपका जब आप इनसे मिले? देखो मैं फीडबैक तो नहीं कहूंगा, बट मेरे दिल से जो मेरी एक बात है ना वो यही है कि सबसे पहले तो आप दोनों के बारे में बोलता हूँ, आप दोनों एक तो टचवुड दोनों बहुत अच्छे एक साथ लगते हो, उसके बाद जब ये सारी फैमिली साथ में जुड़ जाती है ना तो और एक अलग सा मन करता है, लाइक मैं जब भी जैसे मैं वीडियोस देखता था, मैं बहुत टाइम से प्लान बनाता था, मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियोस भी देखनी, भाई सॉरी हाथ भी आगे डाल चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे करके इनकी वीडियोस, भाई की सारी जितनी पुरानी वीडियोस थी वो गो थ्रू करी, तो मुझे ना एक जर्नी समझ आई हुई यार कि जहाँ से आपने शुरू किया और चैनल्स भी हैं सब कुछ है, उसके बाद आज जो फैमिली बनी है ना वो बहुत प्रीशियस है आपके लिए, एग्जैक्ट, पर आप क्या करते हो, आप कोशिश यही हमेशा करते हो अपनी वीडियोस के थ्रू भी जितनी आप रॉ चीज़ें दिखा सको, लाइफ की रियलिटी दिखा सको, वो हर एक इंसान ही दिखाता है, ट्रस्ट मी मैं भी कहीं ना कहीं फिल्टर लगा देता हूँ चीज़ों के ऊपर कि रहने देते हैं, बट भैया नहीं करते, भैया कहते हैं जो है, अगर मेरा बच्चा, लोग कह रहे हैं कि ट्रेन नहीं है, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई मेरा बच्चा ऐसा ही है, बाकी दोनों ट्रेन है तो है, ये चीज भैया बहुत अच्छी लगती है, और इनके बारे में सबसे मेन चीज पता क्या है, ये सबको ना बराबर डॉग हमेशा सबको बराबर ट्रीट, एग्जैक्टली, डॉग के लिए कोई वो नहीं है, माँ बाप से अलावा मतलब सब बराबर, ये इनके साथ भी
इनके साथ भी बड़ा फ्रेंडली है, ये देखो ये आ गए, पूछ ही रही है कि ये वो बच्चे हैं जो एक टाइम पे इसी पार्क में मर रहे थे। तो ये सबसे बिल्कुल ये एक्चुअली आपकी ना फैमिली की यूट्यूब फैमिली और आपकी सोशल मीडिया फैमिली की भी पावर है, पता क्यों? क्योंकि वो आपको सपोर्ट करते हैं ना, तभी आप ये और खींच सकते हो काम। अगर वो लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हाथ रुक जाता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। नहीं सच है ये, एक्चुअली मैं सच है, आपको झूठी बोल रहा हूं। बस मैं आपको क्या बोलूं कि दिन अच्छे जा रहे हैं, भगवान करे सबके अच्छे जाएं और हमारे भी थोड़े वो देखो पूरी गैंग पीछे से वो भी आ गई है, पूरी गैंग ही इकट्ठी हो गई है। अभी तो उनकी बेटी भी है जिससे हम आपको मिलाएंगे, वो उसके लिए मैं सच में वेट कर रहा हूं। तो बेसिकली वी आर द दादा दादीज ऑफ लाओ जी, तो प्रमोशन पे प्रमोशन हो जा रही है। की फैमिली है माय मदर फादर, उन्होंने कभी भी डॉग ना लाने दिया एंड दे आर वेरी एंटी घर में कुत्ता। तो मैं स्ट्रीट डॉग भी आता था ना मेरी शादी से पहले, तो आई वाज लाइक दूर, और जैसे ही मैं इनके घर आई इन्होंने मेरे ऊपर डॉग्स छोड़ दिए। लैब्राडोर था तब इनके पास और उसके बाद सीधा रॉटवाइलर। मतलब मैंने अपनी लाइफ में अगर कभी कोई बच्चा पकड़ा है ना डॉग का, सबसे पहले मैंने रॉटवाइलर पकड़ा है। तो अब आप समझो कि इस आदमी ने मुझे कितना पक्का कर दिया कि अब मुझे कोई डर नहीं लगता। ये एक्चुअली ना ये बहुत सारा होता है कपल्स में, या तो लड़की को पसंद होता है डॉग या लड़के, और मुझे नहीं था ही कन्वर्टेड मी। और अब देख लो हमारे घर में दो ह्यूमन, मतलब दो ह्यूमन बच्चे, दो हम कपल चार, और बाकी हमारे घर में पांच डॉग्स हो जाएंगे, मतलब ह्यूमन से ज्यादा डॉग्स है। सो वी आर बेसिकली अ डॉग फैमिली ऑल इन ऑल। बट ये प्यारे बच्चे हैं, फीमेल्स तो मेरी स्पेशली बहुत शांत है, बहुत शांत। अच्छा आपको कैसा लगता है कि आपको मेल डॉग ज्यादा सही लगते हैं फीमेल डॉग? पर्सनली फीमेल, मेरे को फीमेल, मेरे को भी, क्योंकि ना फीमेल डॉग को ना लोग लेते भी बहुत कम है, पता है। ऑन एंड रेशो भैया मेल डॉग्स की डिमांड मार्केट में लोग कहते हैं बहुत ज्यादा होती है, फीमेल डॉग्स को लोग थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं, पर फीमेल डॉग ज्यादा प्यार शो करती है। एग्जैक्टली, और मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें एक साल हो गया ब्लॉगिंग करते हुए, तो एक साल के बाद ना हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आती है ना वो सिर्फ फीमेल की आती है, क्योंकि उनको ये दोनों पता है और स्पेशली ये इन दोनों का जो बिहेवियर है, प्लस हमारा जो लीटर हुआ उसमें हमने अगर रिटेन भी किया ना क्लोई, तो फीमेल ही रिटेन किया। ये बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे कर रहे हो भैया, तो द फीमेल डॉग्स आर इक्वली, यू नो, बस लोग क्या करते हैं ना फीमेल डॉग को लेते हैं, ब्रीडिंग मशीन बनाते हैं, ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। और एक ना बहुत बड़ा सोसाइटी में ना टैबू भी है कि घर गंदा करेगी, ठीक है, मेल ज्यादा गंदवाते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, बट इट्स एक टैबू है कि यार नहीं यार उसको, आपको पता है ना कि उसकी साइकिल्स आएंगी, इट्स गोना बी डर्टी, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट फॉर अ वीक आई गेस एंड इन 4 months 3 months डिपेंड ऑन द ब्रीड। भैया जहाँ पे उनका मन करे दे वो सुसु कर देते हैं, पैर उठा के उनको क्या है, उनको दो जगह मिले वो सच में ऐसे ही होते हैं, जबकि वो बहुत ट्रेन किए हैं उसके बाद भी उनका, क्योंकि क्या होता है ना डॉग्स जो होते हैं ना बेसिकली वो मेल डॉग्स टेरिटरी बनाते हैं। अल्फाज अपनी टेरिटरी कैसे बनाएगा, या तो वो वहाँ पे यूरिन पास करेगा, सबसे मेन चीज तो वही है। अब वो दो मेल डॉग हो गए घर में, अब वो एक कर रहा है उसकी जगह जाके दूसरा भी कर करेगा, तो वो टेरिटरी मार्क करने के चक्कर में पूरे घर का अपनी स्टैंपिंग छोड़ते हैं ना हर जगह। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और आपको मिलाते हैं इनकी बच्ची से, डब्ल्यू आई डीमन, क्या नाम है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग रखते हैं। मैं ना मतलब मैं कैसे नाम रखता हूँ ना, कार्टून, खाने पीने की चीजें, जितना इजी से इजी नाम होगा मैं वो रख दूंगा। भैया रखते एक से एक नाम भाई, मुझे खुद याद करना मुश्किल हो गया था। लेडी ऑली का पता है, लेडी ऑली का, बंदी का, जोई का, तो तीनों का नाम याद है मुझे, तो अब जो है का याद रखना पड़ेगा। बेबी क्लोई नाम है, उसने केज के अंदर ना अपनी आंख पे ना थोड़ी स्वेलिंग आ गई है, तो उसकी एक आई राइट जो राइट साइड है वो ब्लू टर्न हो गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं ठीक है इवेंचुअली विद टाइम एक महीने में ठीक हो जाएगी, तो हमने इन द मीन टाइम ना थोड़ा सा उसको और सुंदर बनाने के लिए, अच्छा, तो हमने कहा शी इज अ ब्लू वाइट डीमन, क्योंकि मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। तो गाइस आ गई है क्लोई, और पुलकित मिलना चाहता था लेडी ऑली और बब्जी के आगे की जनरेशन से, तो बस हम इसको मिलवाने वाले हैं पुलकित से, मिलेगी, हमारे घर में गेस्ट आए हैं आपसे मिलने, देखते हैं कैसी लगती है उसको हमारी पोती, हमारी ग्रैंड डॉटर।